नमस्ते दोस्तों, रहस्यमय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। शाबर शत्रु स्तंभिनी प्रयोग। दोस्तों, प्रस्तुत समय एक ऐसा समय है जहां पर व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत होकर किसी के लिए भी हित करने के लिए तैयार हो जाता है। कई बार यह देखने में आया है कि परिवार के निकट का संबंधी व्यक्ति या रिश्तेदार ही अपने स्वार्थ के लिए एक क्षण में ही शत्रुता को ही अपना आधार बना लेता है। इसके अलावा अच्छे मित्र भी समय आने पर मुंह मोड़कर शत्रु बन जाते हैं तथा विविध कारणों से व्यक्ति का अहित करने के लिए नाना प्रकार के हीन कार्यों को अंजाम देते हैं। लेकिन यहाँ पर यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि यह तभी संभव हो सकता है जब हमें ज्ञात हो कि शत्रु कौन है। लेकिन तब क्या किया जा सकता है जब हमें पता ही नहीं हो कि शत्रु कौन है। अज्ञात शत्रु द्वेष भाव को अपने अंदर संजोए हुए होते हैं और मौका देखते ही व्यक्ति के जीवन को छिन्न भिन्न करने के लिए कार्यरत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का व्यथित होना स्वाभाविक है। हर तरफ से घात के क्षणों में जब यह भी ज्ञात न हो कि शत्रु कौन है, स्वयं की रक्षा हेतु तथा परिवारजनों की सुरक्षा हेतु अगर तंत्र का सहारा लिया जाए तो निश्चय ही साधक का अहित करने की क्षमता किसमें है, कहाँ है। तंत्र के शत्रु स्तंभन प्रयोगों में शाबर प्रयोगों का महत्व अपने आप में ही अत्यधिक है। यह मंत्र अत्यधिक सरल से प्रतीत होते हैं तथा इसमें विधि विधान आदि बहुत सहज होते हैं। भगवती कालरात्रि का स्वरूप ही निराला है। अत्यधिक भयावह और डरावना उनका स्वरूप वस्तुतः साधक के लिए नहीं वरना उसके शत्रुओं के लिए है। साधक के लिए तो वह मातृतुल्य है। जहाँ एक तरफ वात्सल्य आशीर्वाद के साथ वह साधक के जीवन में उन्नति तथा सुख भोग प्रदान करती है, वही दूसरी तरफ वह साक्षात दुर्गा स्वरूप है। अपने साधक के सभी ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं की गति मति का स्तंभन कर साधक के अहित करने वाले सभी व्यक्तियों का उच्चाटन करती है। प्रस्तुत प्रयोग सहज प्रयोग है जिसे कोई भी व्यक्ति संपन्न कर सकता है। एक ही रात्रि में साधक यह प्रयोग पूर्ण कर लेने पर उसको भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा उसके शत्रुओं से सुरक्षा प्राप्त होती है। साथ ही साथ जीवन के सभी पक्षों में उसे उन्नति प्राप्त होती है। यह प्रयोग साधक कृष्ण पक्ष की सप्तमी को करें। समय रात्रि में 10 बजे के बाद का है। साधक को स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल वस्त्र को धारण करना चाहिए तथा लाल आसन पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। अपने सामने बाजक पर साधक भगवती कालरात्रि का चित्र स्थापित करें तथा गुरु पूजन, गणेश पूजन, भैरव पूजन और देवी कालरात्रि का पूजन संपन्न करें। इसके बाद श्रद्धानुसार कोई भी रक्षा कवच का पाठ कर गुरु मंत्र का जाप करें। साधक इस प्रयोग में तेल का दीपक ही लगाएं। जब तक मंत्र जाप हो रहा है तब तक दीपक जलता रहना चाहिए। इस हेतु साधक को ध्यान रखना चाहिए तथा इस प्रकार की व्यवस्था साधक पहले से ही कर ले। अगर दीपक मंत्र जाप के समय बुझ जाए तो साधना खंडित
मानी जाती है। साधक भोग के लिए किसी फल को अर्पण करे, लेकिन खट्टे फल का उपयोग न करे। उसके बाद साधक इस शाबर मंत्र का 21 माला मंत्र जाप पूर्ण करे। यह जाप साधक को रुद्राक्ष की माला या मूंगे की माला से करना चाहिए। इस साधना का मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो कालरात्रि शत्रुस्तंभिनी त्रिशूलधारिणी नमः। इस प्रकार मंत्र जाप करें। जाप पूर्ण हो जाने पर साधक देवी को श्रद्धा भाव से प्रणाम करें तथा शत्रुओं से मुक्ति के लिए तथा स्वयं के रक्षा हेतु प्रार्थना करें। साधक को दूसरे दिन किसी छोटी कन्या को भोज कराना चाहिए या वस्त्र दक्षिणा समर्पित करनी चाहिए। माला का विसर्जन नहीं करना है। साधक भविष्य में भी इस माला का प्रयोग इस मंत्र जाप हेतु कर सकता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।